दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हर एक लड़की का स्वभाव अलग अलग होता है, इसीलिए सभी लड़कियों की सहन शक्ति भी एक जैसी नहीं होती। किंतु कई बार लड़के और पुरुष लड़कियों और स्त्रियों के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिससे वे बुरा मान जाती हैं या चिढ़ जाती हैं, जबकि लड़के की उन्हें चिढ़ाने की या दुखी करने की कोई मंशा नहीं होती। चलो बताते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप किसी लड़की या स्त्री से प्यार करें ना करें, लेकिन उसका सम्मान करना बहुत जरूरी होता है। नंबर वन, दोस्तों पश्चिमी देशों की देखा देखी के चलते काफी लड़के अपने आप को इतना मॉडर्न समझने लगते हैं कि वे किसी भी लड़की या स्त्री को हनी, बेबी, स्वीटी, सीला, मुन्नी जैसे शब्दों से संबोधित कर देते हैं। किंतु अपने लिए ऐसे शब्दों को सुनकर आज भी ज्यादातर लड़कियां और स्त्रियां बुरा मान जाती हैं और वे उस लड़के से लड़ने के लिए तैयार भी हो जाती हैं। यहां तक कि कई बार तो यही शब्द उनके लिए खराब सिचुएशन भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले आपको 100 बार विचार कर लेना चाहिए कि ये शब्द कब, किससे, कहां पर कहना है, किससे नहीं। सेकंड नंबर, दोस्तों आजकल की काफी लड़कियां अपने आप को इतना मॉडर्न समझने लगती हैं कि यदि आपने उनसे बहन जी कह दिया तो आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी, क्योंकि बहन जी शब्द उन्हें बहुत ओल्ड फैशन और पिछड़ा हुआ महसूस होता है। क्योंकि काफी लड़कियों से यदि कोई लड़का बहन जी शब्द से संबोधित कर देता है तो लड़कियां तुरंत कहने लगती हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या मैं तुम्हें बहन जी जैसी लगती हूँ। अब ये समझ में नहीं आता कि आखिर बहन जी कहने में बुराई क्या है। खैर ये तो लड़कियां ही जाने। यानी कि आजकल की ज्यादातर लड़कियों से यदि आप बहन जी कह देंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा, यदि सेक्सी कह देंगे तो खुश हो जाती हैं, मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि मैं सेक्सी भी हूं। दुर्भाग्य है हमारे देश का। थर्ड नंबर, दोस्तों अगर कोई लड़की या स्त्री काली या मोटी है तो भूल कर भी उसके रंग और मोटाई को लेकर कोई संबोधन ना करें, क्योंकि उससे उनका मनोबल कम हो जाता है। और वैसे भी अंधे को अंधा कहना आज के समय में किसी अपराध से कम नहीं होता। फोर्थ नंबर, दोस्तों किसी भी लड़की या स्त्री से ये भूल कर भी ना कहें कि तुम बहुत ओवर एक्टिंग करती हो, तुम पागल हो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम जानती नहीं। जब कुछ तुम जानती ही नहीं हो तो चुप रहो, ऐसे शब्दों का भूल कर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लड़के और पुरुष साधारणतया ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, किंतु जब किसी कारणवश किसी लड़की या स्त्री का मूड खराब होता है और आपने उनसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया तो फिर महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता।